Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Muhtaram mein sadr jalsa, mehmanan khususi, muallimin aur muallimat aur meri deeni behno. Aaj ke is ijlas mein meri taqreer ka unwan hai walidain ke saath husn e sulook. मेरी दीनी बहनों, क्या आप बता सकते हैं अल्लाह ताला इज्जत के बाद दुनिया की वो कौन सी हस्ती है जिसके एहसानात हम पर सबसे ज्यादा है? जी हाँ, वो हमारे वालिदैन हैं, जिनके हमारे ऊपर उस कदर के एहसानात हैं कि हम कभी भी उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में बहुत सारे मुकामात पर अपने इबादत के बाद वालिदैन के साथ उसने सुलूक की ताकीद की है कि कुरान मजीद के 15 पारे में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि तुम सिर्फ इसी की इबादत और वालिदैन के साथ उसने सुलूक करो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसके साथ अच्छा सलूक करूं? फरमाया, अपनी माँ के साथ। अर्ज किया, फिर किसके साथ? फरमाया, अपनी माँ के साथ। अर्ज किया, फिर किसके साथ? फरमाया, बाप के साथ। माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक किया उसको खुशखबरी है कि अल्लाह ताला उसकी उम्र बढ़ा देता है। मेरी दीनी बहनों, वालिदैन का मुकाम व मर्तबा हमारे शरीयत इस्लामिया में बहुत ज़बरदस्त बतलाया गया है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाराज़गी को अल्लाह ताला की नाराज़गी करार दी है। इसीलिए बहनों, हमें हमेशा वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करनी चाहिए, उनकी ख्वाहिश और मर्जी को फौकियत देनी चाहिए, जाने अनजाने में भी उनको तकलीफ पहुंचाने से बचा लेना चाहिए। और हम तमाम को अपने वालिदैन के हक में ये दुआ करनी चाहिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को वालिदैन के साथ उसने सलूक करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।